गुण लिखने वालों सोए आपन माहे बैठा जे। इंद्रावती कहे दिल देरे दे, जिन गुण किए सो एरे। सामान्यतः सुनने में चौपाई बहुत सरल लगती है। इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण में महामती जी के तन से राज्य के गुणों को गिना गया है। भारतीय संस्कृति में भी इस तरह का प्रसंग आता है। महामती जी ने उसमें क्या कहा है, 14 लोक की जो संपूर्ण धरती है उसको मैं कागज बना लूं, सातों समुद्रों के जल को मैं स्याही बना लूं, जितनी वनस्पतियां हैं उनकी कलमें बना लूं, और उसकी नोक कैसी हो, कथुए के पांव से भी ज्यादा सूक्ष्म हो, और एक अंक लिखकर मैं शून्य शून्य लिखती जाऊं कि अक्षरातीत के कितने गुण हैं, कितनी बार लिखो, आज तक जितनी बार सृष्टि बनी होगी और लय हुई होगी, एक श्वास की भी व्यर्थ न जाए लिखती रहूं तो भी राज्य के गुणों को मैं गिन नहीं सकते। ऐसा क्यों कहा गया? इसी तरह का भाव कि समस्त पृथ्वी को कागज बनाकर, संपूर्ण जल को, समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, लिखत यदि गृहत्वा सारदा सर्वकालम तदप तो गुणानाम पारम नहीं। ये परमात्मा सरस्वति भी सारे ब्रह्मांड की धरती को कागज बनाकर, समस्त समुद्र के जल को स्याही बनाकर लिखती रहे तो परमात्मा के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। सरस्वती तो नहीं कर सकती, लेकिन एक किसान पानी ज़्यादा बरस गया, परमात्मा को खरी खरी सुनाता है कि तूने मेरी फसल बर्बाद कर दी, समय पर पानी नहीं बरसा, तो किसान, अनपढ़ गंवार किसान परमात्मा को खरी खरी सुनाता है। उसको लगता है कि परमात्मा कितना नासमझ है जो बार बार मेरी फसल को बर्बाद कर दे रहा है। हम सुंदर साथ भी कम थोड़े हैं, थोड़ा सा माया में कष्ट हो जाता है तो क्या कहते हैं, राजी आपको क्या जरूरत थी माया में खेल दिखाने की। साधारण सुंदर साथ तो गलती करें, मुकुंद दास जी जैसा वेदांत का विद्वान उदयपुर में श्री जी से क्या कहते हैं कि श्री जी आपको मुसलमानों से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, क्या आवश्यकता थी औरंगजेब से विवाद खड़ा करने की। उनको राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है, वो बाहरी लीला को देख रहे हैं। ये माया अमल उतारे श्री महामत मेरा टोने को आकार। पहचान करने मुतलक जो हकी गैब खिलवत, कईयो जन्म खोया अपना रहे धनी के जमाने माए, हाय कहा कहूं मैं इनमें जो, कहा कहूं मैं तिनको जो इनमें निर्फल जाए। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन से लीला हो रही है, फिर भी अड़का लीला को तो देखते हैं, लेकिन जिस तन से लीला हो रही है कोई उसके स्वरूप को नहीं पहचानता। जो लीला में दिखाई देने वाला ब्रज बिहारी है, रास बिहारी है, उसकी सभी पहचान करते हैं, लेकिन कौन लीला को प्रकट कर रहा है ये पता नहीं। महामती जी के तन से सब सुंदर साथ तार्तवाणी का प्रकाश पा रहे हैं। इस चुपाई में क्या कहा गया है, गुण लिखने वालों सोए आपन माहे बैठा जे। जिसने अपने गुणों का वर्णन किया है, महामती जी के तन से करवाया है, वो हमारे अंदर बैठा है। हमारे अंदर बैठना होने का तात्पर्य क्या है, यही तो सुंदर साथ को पहचान करानी है। प्रकाश वाणी का अर्थ आशय ही है कि इस सत्य का प्रकाश कर देना कि अक्षरातीत कहाँ है। क्या आज तक सुंदर साथ, अब तो सुंदर साथ सागर श्रृंगार को पढ़ने लगा है, मैं तो कहूँगा कि सुंदर साथ ने अभी प्रकाश को भी नहीं समझा है। बैठा आपन माहे कहे पर साथ माहे कोई विरलो ले, क्या किसी ने पहचाना। महामती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान है। आज भी सुंदर साथ की आस्था किस पर है कि राज्य गादी में बैठे हैं। गादी किससे बनी होती है सबको मालूम है, लकड़ी का तख्त होता है, रुई उसमें भर दी गई होती कपड़े में, उस पर बढ़िया
कुछ कपड़ा लगा दिया गया होता है, सब जाकर उसको मत्था टेकते हैं। वो तो जड़ पदार्थ है। आपकी आत्मा का प्रियतम आपकी आपके धाम हृदय में बसता है। मैं रहन सुख रूहों बिन रूहे रहन सके मुझ बिन, जब पहचान हुए वा को तब सहना बिछुआ के। यही पहचान करानी है। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, सुंदर साथ क्या सोचता है कि सतगुरु महाराज जिस गादी पर बैठते थे उस पर जो बैठेगा वो राज्य का स्वरूप हो जाएगा। आज भी तो यही मान्यता है, किसी को प्राणाजी से नहीं लेना देना, किसी को मूल स्वरूप से नहीं लेना देना, उस जड़ गादी से। जो जड़ गादी बिहारी जी महाराज को पवित्र नहीं कर सकती, जो जड़ गादी देवचंद जी के सुपुत्र हैं परम धाम की रतन भाई की आत्मा है उनको भी प्रकाश नहीं दे सकती, तो आपको क्या दे सकती। आप तो देवचंद जी के सुपुत्र भी नहीं हो, कोई गारंटी भी नहीं है कि आपके अंदर परम धाम की आत्मा है कि नहीं, फिर भी आज सिर पटकते हैं उस गादी पर। जो आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है उसकी पहचान नहीं है। महामती जी के धाम हृदय में रांची बैठे हैं, फिर भी देखिए लालदास जी को बहुत कुछ आध्यात्मिक अनुभूत होती है लेकिन उनको भी अभी पूरा विश्वास नहीं है। भीम भाई को कुछ काफ़ी हद सीमा तक विश्वास है, श्याम भाई छोड़ करके चले जाते हैं, मुकुंद दास जी भी बहुत अधिक ढुलमुल हैं, गोवर्धन दास जी भी साथ में रह रहे हैं लेकिन पूरी पहचान नहीं है। जब लालदास जी के साथ उनको भेजा जाता है तो उनके मन में संशय पैदा होता है कि यदि हम बता देंगे कि कुरान में हमारी साक्षी है तो हमारी गर्दन कट जाएगी, औरंगजेब हमें मरवा देगा, मार देगा, और श्री जी के वचन का पालन करने के कारण हमें मरना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? परमधाम की आत्मा। उस आत्मा ने ये नहीं पहचाना है कि करोड़ों ब्रह्मांड कोट ब्रह्मांड जाके पलथे पैदा, सोचा है हमारा दर्शन। अक्षरातीत के गुण कितने हैं? अवगुण दिखाई दे रहे हैं। अवगुण दिखने का तात्पर्य क्या? गुण और अवगुण किसको कहते हैं? देखिए महामती जी की आत्मा ने क्या कहा है, रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनहकार, ये तो कहीं मैं गिनती पर गुने को नहीं सुमार। आपके मन में संशय होगा कि महामती जी अरबा कह रहे हैं कि मेरे एक एक रूम में करोड़ों अवगुण है, ऐसा क्यों कह रही है? मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि आप अपना चिंतन कैसे करें। एक बार सूरदास जी ने कुछ ऐसा भोजन बनाया कि मैं गरीब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, अवगुणों का बखाना। बल्भाचार्य जी ने टोक दिया कि सूरदास अपने चिंतन को नकारात्मक क्यों करते हो, ये भूल है। सूरदास को प्रेरणा दी बल्भाचार्य जी ने कि यदि श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो श्री कृष्ण के गुणों के अनुरूप अपने को ढालो, अपने को पापी न मानो। और यह बात सच है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप सोचते रहेंगे कि मैं पापी हूँ तो आपका आत्मिक विकास रुक जाएगा, किंतु यदि आप अहंकार लेते हैं कि सारे पापी हैं मैं सबसे ज़्यादा पवित्र हूँ, तो ये अहंकार भी आपके पतन का कारण बनेगा। आप जो हैं वैसा ही चिंतन कीजिए। इसलिए मदालसा अपने बच्चे को क्या सुनाते थे, शुद्ध वसी बुद्ध वसी निरंजने वसी संसार माया परिवर्जित वसी, तुम शुद्ध हो बुद्ध हो संसार की माया से अलग हो। संपूर्ण वाणी में केवल परम धाम की आत्माओं की महिमा गाई गई है। क्या कहा गया है, बंदगी इनके और तफावत, बंदगी इनके और धनी के नहीं कुछ तफावत, सिफत ऐसी कि मोमिन की जाके अक्स का दिलर्स। औलिया वाणी कहते कि औलिया लीला दोस्त कहे, जो ब्रह्मात्माओं को इन शब्दों से संबोधित किया गया है कि इनों को देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए यक। किसी ब्रह्मात्मा का दर्शन हो जाता, इनों को देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए यक। किसी जागृत ब्रह्मात्मा का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि राज्य की बंदगी का फल मिल जाता है। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि किसी तन को आप कह दीजिए कि हम तो इन्हीं को देख लेते हैं, चितवनी करने की क्या जरूरत है,
इसका आशय नहीं है, ये परमात्मा की महिमा में कहा गया है। लाडलियाँ लाहौत की जाकी असल चौथी आसमान, बड़ी बड़े जिनकी जाकी सिफत करे सुबहान। संसार किसकी महिमा गाता है? अक्षरातीत की। और अक्षरातीत किसकी महिमा गाते हैं? बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुबहान। अक्षरातीत अपनी ब्रह्मात्माओं की महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि आत्माएं परम धाम की ब्रह्मात्माएं उनकी अंग रूपा हैं, उनकी प्राण स्वरूपा हैं। अक्षरातीत उनके प्राणनाथ हैं, तो ब्रह्मात्माएं भी उनकी प्राण स्वरूपा हैं, उनके बिना उनका भी अस्तित्व नहीं। यदि सागर लहरों को न उत्पन्न करे, लहरें बंद हो जाए, तो सागर सागर नहीं रहेगा, वो तो झील के समान दिखाई देगा। सूर्य की किरणें न फैले तो सूर्य का प्रकाश नहीं फैलेगा, आप कैसे देख सकते हैं? जैसे बादल लग जाए, दोपहर का समय हो, सूर्य कितने भी प्रचंड ताप से तप रहा है, उसकी किरणों का प्रकाश पृथ्वी पर फैलेगा ही नहीं, बादल ही रोक देंगे तो सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अक्षरातीत के चरण कमली संसार में कैसे पड़े? क्योंकि ब्रह्मात्माओं की इच्छा हुई, राज्य ने इच्छा पैदा की। अब इस पूरे प्रकरण का सार क्या है, मैं अवगुण अवगुण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अक्षरातीत क्या है? अनंत प्रेम के सागर, सामान्य प्रेम नहीं, अनंत प्रेम का सागर। हम क्या हैं? हमारे अंदर कितना प्रेम है हम जानते हैं? पुराण संहिता में इस बात को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। मैं कई बार चर्चा में कह चुका हूँ, फिर भी मैं इस बार संकेत कर देता हूँ। यदि प्रेम का अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का समुद्र है, प्रेम है, उसको एक समुद्र माना जाए अथाह सागर, वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में हर बात में सागर की उपमा दी जाती है कि सागर की जलराशि अथाह होती है। ये पुराने जमाने की बात हो गई, आज के युग में सागर के जल की माप की जा सकती है। जब पूरी पृथ्वी की माप पूरी पृथ्वी का परिमाप नापा जा सकता है, कितनी परिधि है, कितनी उसकी त्रिज्या है, तो पूरी पृथ्वी का वजन आज की गणित और आज का आधुनिक विज्ञान निकाल सकता है। कितना सागर में जल है, कितनी लीटर मात्रा है, वो भी निकाली जा सकती है, और जल का वजन कितना है आज भी निकाला जा सकता है। पहले के युग में संभव नहीं था। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से पृथ्वी के जल को तो माप लिया, सागरों के साथ तो सागरों के जल को माप सकता है, लेकिन ये जानते हैं, इस प्रकरण में एक बात कही गई है कि जैसे सुई के की जो सुई में छेद होता है, आजकल तो सुई का प्रयोग बहुत कम होता होगा, फिर भी जैसे सुई में का छेद कितना छोटा होता है, जैसे सुई के क्षेत्र में से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं, उसी तरह से अक्षर के मन के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते रहते हैं। उस अक्षर का भी प्रीतम है अक्षरातीत, जिसकी महिमा अनंत। और हमारी महिमा क्या है? गुण धनी के गाते गाते गई सारी आयरवल, अगुण अपने भागते निकस न सके चल। महामति जी का से क्या है? यदि मैं राज्य के गुणों को गाती हूं तो इतने अनंत है कि मेरी सारी आयु बीत जाएगी, लेकिन जब मैं अपने अवगुणों को देखती हूं, सुंदर साथ का कहीं अवगुण नहीं लिखा है, महामति जी ने केवल अपने अवगुण को कहा है। एक जगह कहा है कि बड़ी बड़ाई दई आप थे लिंद्रावती कंठ लगाई जी, राजी आपने अपने से बड़ी शोभा जब दे दी तो फिर इतने अवगुण कैसे हो गए? केवल हमें सिखापन देने के लिए। हम सुंदर साथ क्या करते हैं? कभी अपने अवगुण देखते हैं, सारे खराब हैं, दुनिया में मेरे से अच्छा कोई नहीं। आप किसी से बात कीजिए, वो कैसा है? अरे वो तो बहुत खराब है। आप कैसे हैं? क्योंकि मेरे में क्या अवगुण दिखाई दे रहा है? यदि आपने कुछ समझाना भी चाह तो चेहरा लाल हो जाता है। महान कौन बनता है? एकाकी चिंतमाना परम श्रेयम अधिगच्छति, जो अकेले चिंतन करता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, वही आगे बढ़ता है। चार चाटुकार रख करके, जानते हैं राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है?
जो राजा अपने झूठे प्रशंसकों से घिरा रहता है उस राजा का नाश होना अवश्य भावी है। इसलिए नीतिकार क्या कहते हैं, अप्रिय से चपथ्य से वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय और सत्य कहने वाला और सुनने वाला दुर्लभ ही होता है। शुभचिंतक कौन होता है, जो कभी झूठी प्रशंसा न करे, यथार्थ सत्य कहे। जो आपका शुभचिंतक होगा कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। महामती जी ने सारे सुंदर साथ को वास्तविक सत्य से परिचय कराया है कि यदि मैं अपने अंदर केवल अवगुणों को देखती हूं। देखिए दोनों बात कही है, धन पिया धन तारतम धन धन सखी जो लाई, धन धन सखी मैं सुहागिनी जो मुंह में ये निधि लाई। तो ऐसा नहीं कि महामती जी अपने केवल पापी ही पापी कह रही, वो किस प्रसंग में कह रही है कि धन धन सखी मैं सुहागिनी जो मुंह में ये निधि लाई। राज्य ने परम धाम की वाणी श्यामा जी के पहले तन से नहीं उतरवाया, श्यामा जी ने मेरे तन को पकड़ा तो राज्य ने मेरे तन से वाणी अवतरित की और मुझे ऐसी शोभा दी, सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी कोरी न कोई। तो दोनों कथनों में विरोधाभास दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाणी का कथन करने वाला केवल एक अक्षरातीत है और वो मनुष्य नहीं है कि आज कुछ कुछ कहतेगा कल अपने वचनों को मिथ्या करेगा। हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा कि किस प्रसंग में उन्होंने कौन सी बात कही है। यदि महामती जी ने कहा है कि मेरे अंदर रोम रोम करो, एक एक रोम में करोड़ों अवगुण हैं और इतने अवगुण हैं ये तो मैं कहीं मैं गिनती पर गुने को नहीं सुमार, मेरे अंदर इतने अवगुण हैं कि इसका पार नहीं हो सकता। इसका आशय यह है कि हर सुंदर साथ अपने गुणों का बखान करना बंद कर दे। उसके अंदर जो गुण हैं वो राज्य की कृपा दृष्टि से आए हैं। एक बात देखिए, सूरज उगता है कितना तेज होता है, हम धूप में खड़े होते हैं धूप सह नहीं जाती, और ये सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इस सूर्य में हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। इस पृथ्वी पर भारतवर्ष जैसे कितने बड़े बड़े देश हैं, भारत से कई गुना 2.5 गुना बड़ा चाइना है, अमेरिका है, 2.5-3 गुना सब बड़े बड़े हैं। ऐसी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं, लेकिन जब बादल लग जाते हैं तो सूर्य का पता ही नहीं रहता। सूर्य कितना भी चमक रहा हो, घने काले बादल उसको निस्तेज कर देते हैं। बादल कितने भी लगे हों, हवा के झोंके आते हैं बादल उड़ जाते हैं। हवा सारी ताकत लगा दे, एक कुश के जड़ को नहीं उखाड़ सकती धरती से, पेड़ों को गिरा सकती है, बरगद के पेड़ को गिरा सकती है हवा, लेकिन एक कुश की झाड़ को नहीं उखाड़ सकती, दुब को नहीं उखाड़ सकती। और एक छोटा सा चूहा 5 मिनट नहीं लगेंगे, कुश की झाड़ को मिट्टी खोदेगा, सबको तितर बितर कर देगा। तो एक सूर्य की सत्ता को चुनौती देने वाला कौन है, एक छोटा सा चूहा। एक डंडा कोई मार दे तो चूहा समाप्त, लेकिन चूहे की भी तो एक सामर्थ्य है कि एक जो सूर्य नहीं कर सकता, जो बादल नहीं कर सकते, वो चूहा कर सकता है। मेरे कहने का ऐसे आप समझ गए होंगे, जो सर्वशक्तिमान है ता यही रुकी छोरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, उसको क्या जरूरत है कि ग्वालिनों के इशारे पर कि तू नाच हम तुझे मक्खन खिलाएंगे, और नाचता है, राधा के पैरों में लौटता है, जागनी की लीला में महामती जी के तन में बैठा है और सब कुछ सहन कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, धूप शीत वर्षा सह रहा है। जिस संसार के कल्याण के लिए वो आया है, जिस संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए वो अपने चरण कमल रखा है, उन चरण कमलों के दर्शन करने के लिए तो अक्षर की आत्मा अनादि काल से तरसती रही है। वह अक्षर ब्रह्म जिसकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय होते हैं, और वह अक्षरातीत अपनी पहचान महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने गुण गिनवा रहा है और अंत में कहलवा देता है कि आज तक जितनी बार सृष्टि बनी है उतने समय तक किसी को पता नहीं, अक्षर के अतिरिक्त किसी को पता नहीं, नारायण को भी पता नहीं। नारायण कैसे जान सकते हैं, वो तो स्वप्निक स्वरूप है।
तो इस सृष्टि में कोई भी ऋषि मुनि ये नहीं बता सकता कि यह सृष्टि कब से है। एक सृष्टि की तो कोई बता सकता है गणना, पृथ्वी लोक में जो सृष्टि है इसकी आयु बता सकते हैं 1,96,08,53,124 वर्ष। ये सृष्टि पृथ्वी की जो सृष्टि है उसका संबत है, सौरमंडल का सृष्टि संबत नहीं। सौरमंडल का जो सृष्टि संबत है ये तो ये जो गैलेक्सी का जो सौर संबत है 13.6 अरब वर्ष हो गए। तो और जो पूरी सृष्टि की जो आयु है ये परांत काल या 4,32,02,30,100 जो इतना गुणा करेंगे तो कई खरब ये नील पद्म में आएगा, उतने वर्ष आएंगे। ये अरब खरब तो बहुत छोटी गणना हो जाती है। अब इसमें न जाने कितनी गैलेक्सियां बन जाती हैं, लय को प्राप्त हो जाती है। हमारा जीवन कितना है, एक परिवार में जन्म लेते हैं 100 साल उम्र हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जिस अक्षर का एक स्वप्न की एक सृष्टि नील पद्म में होती है, अरबों खरबों वर्ष छोटे लगते हैं, उस अक्षर का भी जो प्रीतम है हके इलम ऐसा दिया जो चौधरी तब को ना आए और ना ही नूर मकान में सो दिया मैं सपने में आए। जब हम सुंदर साथ आपस में बैठकर राज्य के अवगुणों को देखते हैं तो राज्य क्या करेंगे आप बताइए। यदि मुकुंददास जी के मुख से ये शब्द निकलते हैं कि राज्य आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसकी चुनौती आप दे रहे हैं? औरंगजेब सामने खड़ा है और कह रहा है कि आप शरीयत को शरीयत का विरोध बंद कर दीजिए तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। चिंतामणि को जगाने के लिए जाते हैं श्री जी, हरजी व्यास को जगाने के लिए जाते हैं श्री जी, हरजी व्यास के अंदर ईश्वरी सृष्टि की आत्मा है। एक एक आत्मा को जगाने के लिए न जाने श्री जी को क्या करना पड़ता है, क्योंकि जैसा सबका तन है वैसा ही मीराज का तन है। सरस्वती में इंद्रावती जी की यही पीड़ा व्यक्त होती है कि राजी आकार दे धरियो मायामो ते माटे कोड़े न उलखाए, आपने जो माया का तन धारण किया वो हमारे जैसा दिखता है इसलिए आपको कोई नहीं पहचान पाता। और लीला भी ऐसी, देवचंद जी के तन में बैठे हैं और देवचंद जी की मानवीय लीला सामान्य लोगों जैसी दिखती है। जैसे देवचंद जी का तन है वो एक उनके जीव का तन है, जीव पवित्र है। श्यामा जी की आत्मा उस जीव पर बैठकर खेल को देख रही है, जीव अपने स्वभाव से लाचार है क्योंकि जब लीला हो रही है जीव सोचता है कि अब बिहारी जी और यमुना तो बड़े हो गए हैं दोनों, इनका खर्च कैसे चलेगा। राजी आवेश स्वरूप से जब प्रकट होते हैं तो सद्गुरु महाराज को संदेशा दिया जाता है कि आपको जो मैंने सेवा सौंपी है जागनी की आप चुपचाप करते जाओ, बिहारी जी का क्या होगा या यमुना का क्या होगा ये आपका काम नहीं है। तो कोई इस बात को सुनेगा तो क्या कहेगा, क्या इस तन में राजी बैठे हैं? संशय तो खड़ा होगा। आज देखिए देश में बड़े बड़े मठ हैं जहाँ हजारों लोग एक साथ भोजन करते हैं, जब हमारी भीतर को कोई पढ़ेगा तो प्रश्न तो खड़ा होगा कि क्या वो अक्षरातीत हैं जिनको मंदसौर में 8 महीने भिक्षा पर निर्भर करना पड़ता है, क्या वो अक्षरातीत है औरंगजेब से मिलना चाहते हैं और औरंगजेब से मिलने में उन्हें बहुत लंबा समय लग जाता है, 2 बार प्रयास करने पड़ते हैं हरिद्वार जाने से पहले और हरिद्वार से लौटने के बाद। उस लीला पर तो किसी को विश्वास नहीं कि जो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत हो वो तो सीधे जा सकते हैं। आप जानते हैं पौराणिक बंधु इतना तो जानते हैं कि राम के अंदर विष्णु की शक्ति थी, लेकिन राम सीता की खोज कराने के लिए वानरों की सहायता लेते हैं। वैसे वानर एक क्षत्रिय जाति का नाम है, चाहे आप जो भी मानिए,
ऐसा क्यों करना पड़ा? इस प्रकृति के संसार में एक मर्यादा स्थापित की गई है। जब राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मार्ग दो, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। बिना न मानत जलज जड़ गई तीन दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिन हुए निप्रीत। जब राम धनुष से बाण का संहार करने के लिए तैयार होते हैं तो सागर प्रकट होता है, कहता है कि प्रभु मेरी अपार जलराशि को कोई मनुष्य पार न कर सके, ये मर्यादा आपने ही दी है, और यदि आपने बाण छोड़ दिया तो परिणाम सोच लीजिए क्या होगा, सृष्टि की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए आपने जो मर्यादा मुझे दी है उसकी रक्षा करना भी आपका ही कर्तव्य है। ये वैकुंठ धाम नहीं है, ये प्रकृति ये पृथ्वी लोक है, और इस पृथ्वी लोक पर यदि मर्यादाएं टूट जाएंगी तो सत्य का लोप हो जाएगा, और सत्य के लोप होने से सारी सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पुल बनवाइए। विश्वकर्मा के जो दोनों पुत्र हैं नल और नील, इनको वरदान मिला है जिस पत्थर को ये रखेंगे वो डूबेगा नहीं, पुल बन जाएगा, मेरी भी मर्यादा रह जाएगी और आपका कार्य भी हो जाएगा। आपके एक बाण से मैं सुख जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि भगवान राम ने तो समुद्र को सुखा दिया था, मेरी सारी गरिमा समाप्त हो जाएगी। जो अक्षरातीत खेल दिखा रहे हैं, जो अक्षरातीत अपने सत्संग के द्वारा अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, और जेम के अंदर भी तो सकुमार की आत्मा है, उसको जागृत करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, एक लीला है। लीला के नाटक में जब वो ब्रज में प्रवेश करते हैं, आप सोचें ब्रज की लीला में अपने पढ़ा है, यशोदा माता उखली से बांध देती है, कभी रस्सियों से बांध देती है, और कृष्ण रोते हैं, दूसरे बालकों की तरह मिट्टी खाते हैं, माँ डांटती है तो कहती है देखो माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, यशोदा कहती है मुख दिखा, मुख खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड दिखता है। लेकिन कृष्ण को भी डंडे की मार खानी पड़ती है, उनको आंसू बहाने पड़ते हैं, वे अपना परिचय दे देंगे तो तब तो खेल का सारा रस ही चल जाएगा। इस जागनी लीला में एक एक तन को शोभा देनी है। शेख बदल को शोभा कहाँ से मिलती, लालदास को शोभा कहाँ से मिलती, भीम भाई को शोभा कहाँ से मिलती, चिंतामणि को शोभा कहाँ से मिलती, यदि राज्य अपनी सारी शक्ति से औरंगजेब को एक पल में जगा लेते हैं। ये जो कुछ हो रहा है केवल आपको शोभा दी जा रही है कि दुनिया यशगान करती रहे। देखो लालदास जी ने किया, भीम भाई ने किया, छत्रसाल ने किया, उनकी कृपा से ही सब सुशोभित हो रहे हैं। सूर्य का प्रकाश न हो तो ग्रहों में प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य को प्रकाशित करने वाला भी तो वो सब ही सर्वशक्तिमान है। हमसे यही भूल होती है क्योंकि हम अपनी लौकिक दृष्टि देखते हैं और यही फंस जाते हैं। इसलिए राज्य की हर लीला में हमें कमी दिखाई नहीं देने लगती है और हम अपनी मानवीय बुद्धि के धरातल पर सारी विवेचना करने बैठ जाते हैं। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है कि सायती जी गुण लिखने वालों सोए आपन माहे बैठा जे, जो हमारी आत्मा के हृदय में बैठा है उसी ने मेरे धाम हृदय से बैठकर अपने गुणों का वर्णन करवाया है, उसके गुण अनंत हैं। अक्षरातीत में अनंत प्रेम है, अनंत दया है, अनंत एकत्व है। हमारे अंदर क्या है, अनंत राग है, द्वेष है, वासना है, घृणा है, क्योंकि हमारा जीव माया के अंदर माया का तन लेकर के बैठा है। एक पूरा प्रकरण है, 20 का बिछौना है, 20 की इंद्रियां हैं, 20 का ही ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड हमारे मन चित बुद्धि अहंकार सभी माया से। हमारे जिन जिन अस्त्रों से हम परमात्मा को पाना चाहते हैं वही तो माया के हैं, फिर इनसे हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। काजल की कोठरी में हम चाहें कि हमारे कपड़ों में कोई दाग न लगे, संभव नहीं। काजल की कोठरी में कैसे हुई से अनु जाओ, एक लिख काजल की लागी पे लागी। तो आप सोच सकते हैं इस माया के संसार में हमसे जो सबसे बड़ी भूल होती है, हम अपने गुणों का बखान करने में लगे रहते हैं।
आत्मचिंतन नहीं करते हैं। हर कोई सारे संसार को सुधारना चाहता है। सारे संसार को सुधारना कुछ भी कठिन नहीं है, एक दिन में हो जाएगा। शर्त यह है हर कोई अपने अवगुणों का सुधार कर ले, सब सुधर जाएंगे। होता क्या है, हर कोई दूसरे के अवगुणों का सुधार करना चाहता है और इसी में सारी ऊर्जा लग जाती है। जैसे ये पूरा मंच जो दिख रहा है, इस पर मान ली कि 10 मीटर है, एक एक मीटर पर एक एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और एक व्यक्ति से कहा जाए गिनो कितने व्यक्ति हैं, तो दूसरों को गिनेगा अपने को छोड़ देगा। यही भूल हो रही है, हम दूसरों को देखते हैं कि इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर ये गुण है। जो महामती जी ने कहा है, एक तरफ क्या कहा है, जो मैंने आपको चौपाई बोलकर बताई थी कि सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी करी न कोई। सनद में एक चौपाई आती है, तारीफ मोहम्मद मेहदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई हुए सी पर किन ब्रह्मांड बनाए। किसी भी ब्रह्मांड में महामती जी को जो इसमें शोभा मिली है प्राणनाथ के स्वरूप में, चाहे ब्रज का स्वरूप हो, चाहे रास का स्वरूप हो, चाहे बसरी स्वरूप हो, चाहे देवचंद जी का स्वरूप हो, केवल यही नहीं, कई हुए कई हो इसी पर किन ब्रह्मांडों ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भले ही इसके बाद राज्य को यदि पुनः इच्छा हो जाए कि पुनः इस क्रब्द हो जाए, पुनः ब्रह्मात्माएं आए, तो इस स्वरूप की जो महिमा है इसके बराबर न कोई हुआ है, न है, न कभी होने वाला है। लेकिन इस चौपाई तो पढ़ते सभी हैं, लेकिन क्या कोई मानता है? हम प्राणनाथ जी को तो इतना छोटा बना देते हैं कि प्राणनाथ जी को ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, हम तो अंग्रेजी पढ़े हैं, विदेश में हुए हैं, और प्राणनाथ जी तो बेचारे राष्ट्रीय संत ही कहला सके, हम तो अंतर्राष्ट्रीय संत हो जाते हैं। प्राणनाथ जी 12,000 प्राणायाम नहीं करवा सकते, देखिए हमने 12,000 प्राणायाम करवा दिया, कौन कहता है? हमने ये छोटी सी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। जिसके चरण रज से ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिसके चरणों की कृपा से ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने वाली, मुक्ति मिलने वाली है, उसको छोटा करने में हम गौरव का अनुभव करते हैं। आप किसी मुस्लिम को देखिए, वो मोहम्मद साहब में दोस्त नहीं निकालेगा, कबीरपंथी कबीर जी में दोस्त नहीं निकालेगा, एक हम ही इतने महान हो गए हैं। जब देखो प्राणनाथ जी पर टिप्पणी करते रहते हैं, महामती जी ने हमें सिखापन दिया है कि हम केवल आत्मचिंतन करें। देखिए स्वामी श्रद्धानंद में बहुत से अवगुण थे, लेकिन उनकी महानता थी कि उन्होंने भरी सभा के बीच में स्वीकार किया कि मेरे अंदर ये अवगुण है। यदि आपको लक्ष्य को पाना है, पुराना जो कुछ आपने किया है उसको भुला दीजिए और खुले हृदय से स्वीकार कीजिए कि मेरे अंदर कमी है, मैं इसको दूर करके रहूंगा। आप दूसरे के अवगुणों को मत देखिए, परिणाम क्या होगा, कुछ ही समय में आपको शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप दूसरों के अवगुणों को देखेंगे और अपने अवगुणों पर मिट्टी डालकर उसको महिमा मंडन करेंगे, तो आपको विनाश से भी कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु का लक्षण क्या है, लालने बहव दोषा ताड़ने बहव गुणा। सच्चे माता पिता जो होंगे, जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा शुभचिंतक होगा, वो बनावटी प्रेम कभी नहीं दिखाएगा। जो बनावटी प्रेम दिखाए, माता हो पिता हो, जो माताएं अपने बच्चों को लाड में कहती बेटे सोते रह, वो सबसे बड़ी शत्रु वही है। वो माता को माता कहलाने का अधिकार ही नहीं है, उस गुरु को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्यों के अवगुणों को दूर न कर उसका महिमा मंडन करता है। इसलिए महामती जी ने इस प्रकरण के द्वारा बहुत बड़ी शिक्षापन दी है। अक्षरातीत के तो अनंत गुण हैं जो उस प्रकरण में दिखाया है, मैंने संक्षेप में कह दिया। एक शून्य एक लिख करके शून्य शून्य लिखते जाएं, सारे कागज 14 लोगों के ब्रह्मांड रूपी कागज भर जाएगा, सातों समुद्रों का जल सूख जाएगा और अनंत बार सृष्टि बनी है उतने समय तक बिना श्वास एक सांस की भी ढील लिए रुके बिना लिखता जाए तो भी राज्य के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। और ऐसे अक्षरातीत को हम छोटा बनाएं, जिस महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर लीला किए, हमारा दुर्भाग्य है
हमारी आंखें उस प्राणनाथ के स्वरूप को नहीं पहचान पाए। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुत अर्श की जो अर्श में हुआ। क्योंकि महामती जी का तन सबके साथ रहता है, सब देखते हैं कि प्राणनाथ जी तो भी दूसरे के भिक्षा में आया हुआ भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये तो जयराम कंसारा पर भी गुस्सा हो जाते हैं। पन्ना जी में कई किरंतन उतरे जिसका आशय क्या था, साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको कि ये जो खलक खुआर, क्यों भी बस होकर लिखना पड़ा। कुछ ऐसे कठोर शब्द हैं जिसको कहने में मुझे भी जाके चोर चंडाल चरमिष्ट कह दिया। सुंदर साजी मैं तो यही हूँ और आप तो बख्शो मेरी भूल, मेरे से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, मुझे भूल कर दो, आपने सावचेत किया, अब मैं सावचेत हो जाऊँगी, अब गलती नहीं करूँगी। आप जिस महामती जी के धाम हृदय में बैठकर अक्षरति इतने लीला की है, जब परम धाम में जगेंगे किसी में भी आँख उठाने की शक्ति नहीं रहेगी, चाहे लालदास जी हों, चाहे शेख बतल हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए ये प्रकरण हमें बहुत कुछ कह देता है। वैसे तो जो सागर श्रृंगार में रमण करते हैं प्रकाश को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये वैद्यत की वाणी है। एक बार मैं आपको घटना बता देता हूँ, आप सोचते होंगे कि सागर श्रृंगार की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, क्यों राज से प्रारंभ किया जा रहा है। ये प्रसंग है, कंस जब पहला पुत्र जन्म होता है वसुदेव देवकी का, पहला पुत्र ला देते हैं और कंस को सौंप देते हैं, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि आठवें पुत्र से तुम्हारा विनाश होगा। वसुदेव ला देते हैं, कंस सोचता है कि नहीं, जब इतने ईमानदार हैं तो ये तो सभी पुत्रों को लाएंगे और मैं मार डालूंगा, इसलिए अब मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे व्यक्ति की के पुत्र को मारना नहीं, मैं आठवें को ही मारूंगा, सात को मैं क्यों, निरपराध अपनी ही बहन के बच्चों को मैं क्यों मारूं। नारद जी सोचते हैं कि कंस का जल्दी विनाश कराना जरूरी, इसलिए इससे पाप करवाओ। कंस के पास पहुंच गए, कंस से कहते हैं कि देखो एक गोला खींच दिया, वृत्त, आठ लकीरें, आठ बिंदु खींच दी और उसको पूछा कि बताओ आठवां इसमें से कौन है। तो किसी भी बिंदु से दूसरों को गिने गए तो हर बिंदु आठवां कहलाने का अधिकारी होता है। तो यदि इस संसार में हर बिंदु आठवां स्थान ले सकता है तो समझिए एक ही अक्षरातीत ने रास की वाणी कही है, उसने सागर श्रृंगार कहा है, उसने खिलवत कही है, उसने क्यामत तमा कही है। सूरज तो वही है, प्रातः काल कम तेजमान दिखता है, तेज तो उतना ही होता है, उसकी किरणें तिरछी होती हैं, दो पर को सीधी पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। हमारी बुद्धि ही सहन करने के योग्य नहीं, इसलिए पहले हमको रास की सरल वाणी दी जाती है, लेकिन यह वैद्यत की वाणी है। जब हम हक इलम ले देखिए हुइए तो हुइए अर्समापक, परम धाम की दृश्य देखेंगे तो रास में भी आपको श्रृंगार मिलेगा, सागर मिलेगा, खिलवत मिलेगी, परिक्रमा, हाँ दृष्टिकोण अपना होगा। आपका दिल यदि अर्श बन जाएगा, उस दृश्य से देखेंगे तो वैद्यत की वाणी में वैद्यत का रस घुलेगा, जैसे हर सागर में हर से सातों सागर समाये मिलेंगे, हर कण में आठों सागर समाये मिलेंगे, हर कण में अक्षरातीत का दिल क्रीड़ा करते हुए मिलेगा। इसलिए हम सुंदर साथ को सकारात्मक चिंतन की तरफ बढ़ना होगा। दूसरे की तरफ हम एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ संकेत करती हैं, बस इतना समझ चाहिए। हम आत्मचिंतन करें, एकाकी चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगच्छत, एकांत में सोचें, अपने प्रशंसकों से न पूछिए कि हमसे गलती क्या हुई है, स्वयं पूछिए अपने हृदय से। कोई भी व्यक्ति चाहे चोरी करता है या क्या करता है, वो जानता है कि मैंने अपराध किया है, संसार आपसे बैर क्यों लेगा, संसार आपको बुरा क्यों कहेगा। आप बुरा भी करेंगे तो आपके प्रशंसक कहेंगे कि नहीं जी आपने तो बहुत अच्छा किया है। इसलिए कभी दूसरों से मत पूछिए, स्वयं से पूछिए मेरे अंदर क्या कमी है। जो महामती जी ने कहा कि रोम रोम कई कोटो गुण, जो ये बात कही है हमारे लिए कही गई कि हम आत्मचिंतन निष्पक्ष
आत्मचिंतन करें और दूसरे को पूरी वाणी में देख लीजिए। रहस्य क्यामा तक केवल सुंदर साध की महिमा गाई है। सुंदर साध को कभी भी राज्य ने दोषी नहीं बनाया है, इसलिए क्योंकि हम सबके हृदय में राज्य की छवि को देखें। और राज्य तो अनंत महिमा वाले हैं। महामती जी ने ऐसा किया तो राज्य ने क्या कर दिया, उनको सबसे ऊपर कर दिया। श्यामा जी को जो पहले तन में शोभा मिलती है, श्यामा जी से भी बड़ी शोभा महामती जी को दे दी। रूअल्ला दुजामे परसी दूसरे ऊपर मुद्दार सोई इमाम मेहती जाकी बुजुर्ग की बेशुमार। और ये बात वाणी की ही नहीं, बाइबल में भी ये बात लिखी है, कुरान में भी ये साक्षी लिखी है। क़यामत नमा में एक प्रसंग है, एहिया और जिकरिया का प्रसंग विस्तार से दिया गया है। अब क़यामत नमा की टीका पढ़िए कि यहिया की शोभा, जिकरिया कौन है, देवीचंद जी, यहिया कौन है, श्री प्राणनाथ जी। यहिया की शोभा पारब्रह्म की तरह होगी। और बाइबल में भी ये जो कथन है, मैंने कई वर्षों पहले पढ़ा था, शायद 25 वर्ष पहले, वो मैं सुना रहा हूँ। ही विल परस्यूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के सारे देशों को परब्रह्म के प्रति नतमस्तक कौन कराएगा, यहिया। ये बाइबल में सीधे लिखा हुआ है। आज से 2000 वर्ष पहले बाइबल यदि में ये बात कही जा सकती है कि यहिया सारे संसार के लोगों को परब्रह्म के प्रति नतमस्तक कराएगा, तो सोचिए उस स्वरूप को, अवगुणों को की तरफ हमारी दृष्टि यदि जाती है, हम यदि संत महापुरुष कवि कहकर स्वयं को गौरवान्वित करते हैं, अपने अनुयायियों की मंडली बना करके स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, तो सोचिए इस अपराध का क्या प्रायश्चित है। हम आवश्यकता है, अभी भी तक बीती है, हम आत्मचिंतन करें। हम बीतक का कितना सही मूल्यांकन कर रहे हैं, हम अपना कितना सही मूल्यांकन कर रहे हैं। तौल मोल दिल मा भक देसी सुख सबन, सोई सुहागिन धाम में जो कर से इतरोसन। आपका सिर ऊंचा होगा इस संसार में। वाणी को जाहिर कीजिए, प्राणनाथ को जाहिर कीजिए, युगल स्वरूप की छवि को सबके हृदय में बसाने की प्रेरणा दीजिए। आप सारे संसार में सोने की ईंटों से भी मंदिर बना देंगे, हजारों लाखों बना देंगे, फिर भी यदि आपने प्राणनाथ की महिमा को नहीं फैलाया, युगल स्वरूप की पहचान नहीं दी, तो ये सोने के ईंटों से बने हुए मंदिर सोने बने रहेंगे। उन मंदिरों से कोई लाभ नहीं है जिनसे ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलता है। आप सबके हृदय में प्राणनाथ जी की महिमा बसाइए, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाइए। और यही राज्य आपसे सच्ची सेवा चाहते हैं। आपके पास जितना ज्ञान है वो आपका कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ उनका है। प्रवाही लोग भी गाते हैं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। प्रवाही हमसे अच्छे हैं, जो हर बात में कह देते हैं, आहुती भी डालते हैं तो कहते हैं स्वाहा, सब कुछ तुम्हारे लिए है, हम ही परम धाम के ब्रह्मनि तो कहलाते हैं। लेकिन हम उस हंसी को अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं जो बार बार हमसे हो रही है। जो कुछ शोभा वाली बात होती है हम अपने लपक लेते हैं, जो अपने छोटे मोटे जो कुछ विशेषता है उसका महिमा मंडन स्वयं करने लगते हैं, राज्य की महिमा में दोष लगा देते हैं। क्या इन भूलों का कोई प्रायश्चित है? क्या ऐसी भूल एक सामान्य मानवीय नारी ने भी नहीं किया होगा जो हमसे हुई है? इसलिए सिंधी में कहा है कि हमसे जो लटी हुई, हमसे जो गुना हुआ, वो तो संसार में किसी से नहीं हुआ। आशिक नारे नजरो मासुक बैठे रो, हेडी कटी उल्टी ऐसी आशिक से न हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ आने वाले समय में इस बात पर सावचेत रहेगा, जो प्राणनाथ की महिमा गाएगा उसको एक की बंदगी का हजार गुना फल मिलेगा। ये बात युगलदास जी ने अपनी पत्ती में कहा है। और जो इस स्वरूप की निंदा करेगा उसके लिए बहुत ही कठोर शब्द लिखा है। इसको वाणी में पढ़िए, युगलदास जी की पाती में पढ़िए। क़यामत नमा की इस चौपाई के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ कि इन मोती का मोल कहियो न चाहे, ना किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल। प्रणाम जी।